खरगोन जिले के गोगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को भी पकड़ा है, जबकि एक व्यक्ति फरार हो गया। बता दें कि थाना प्रभारी महेश सुनैया को सूचना मिली कि क्षेत्र से अवैध हथियार का परिवहन किया जा रहा है। इसी बात पर थाना प्रभारी ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के निर्देशन में टीम गठित करके बाइक सवार दो लोगों का पीछा किया, जिसमें से एक व्यक्ति बाइक से कूदकर फरार हो गया, जबकि दूसरे व्यक्ति से 10 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 2 अधबने कट्टे और अन्य हथियार बनाने की सामग्री बरामद हुई, जिसकी कीमत 1,86,000 रुपये बताई गई। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चूंकि वर्तमान में लोकसभा उपचुनाव अभी चल रहा है और इसके मद्देनज़र हमने सभी को निश्चित कर रखा कि जो अवैध हथियार के काम कर रहे हैं उस पर सख्त उस पर कार्रवाई किया जाए और उसके पकड़ा धकड़ी के लिए प्रयास किया जाए। इसी तारतम्य में कल गोगावा थाना प्रभारी ने एक सफलता अर्जित किया है, जिसमें उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके पास से 10 पिस्टल और 2 जो देसी कट्टे हैं वो, और बाद में उसके जहां उस हथियार का निर्माण कर रहा था वहां जाकर उसने जो है हथियार बनाने की सामग्री और 2 अधबने कट्टे भी जब्त किया है। इस काम में पुलिस ने जो है अभी उसमें सतवंत उपराठी की गिरफ्तारी की है और एक आरोपी विजय सिंह अभी फरार हो गया है। इसमें TI गोगावा और इंस्पेक्टर शकील और राय सिंह ने अच्छा काम किया, साथ में साइबर टीम ने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया, उसको मैं अलग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सर इतनी बड़ी खेप पकड़ाई है कहीं ना कहीं, इसी मतदाता में ही हमारे जो खुफिया तंत्र है उसको हमने अभी काफ़ी अच्छे से काम करने के लिए किया, उसी का नतीजा है कि ये हमने पकड़ने में सफलता पाई। सर, ये कहाँ लेके जा रहे थे? उस संबंध में हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और कल शाम की घटना इसके बाद हम पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कुछ और है तो हम इसका पूछताछ करेंगे। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।